हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर चंदेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वाई मालाराम सर पर। तो साइंस की क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, पंच जगत वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपको ध्यान से समझना है और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जो HSSC रेलवे जो भी एग्जाम होते हैं SSC के, उनके अंदर जो क्लासिफिकेशन है इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आपको क्लास को ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो हमारा जो पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा संख्या में क्या होते हैं, जीव जंतु होते हैं। अगर उनका वर्गीकरण नहीं किया जाता तो उनका न तो नाम याद होता और न ही उनका कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं होता। लेकिन सबसे पहले इससे जो रॉबर्ट व्हिटेकर हैं, इससे पहले भी कईयों ने इसका वर्गीकरण किया, आगे भी कई वर्गीकरण हुए, लेकिन सबसे फेमस वर्गीकरण किसका था, रॉबर्ट व्हिटेकर का। तो वर्गीकरण क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर करोड़ों संख्या में क्या होते हैं, जीव जंतु होते हैं। इसलिए उनका सही व्यवस्थित करने के लिए या फिर उनको एक जगह उनका अलग अलग क्या कर दिया गया, वर्ग बना दिए गए, जिससे उनको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो जो हमारा जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, पंच जगत वर्गीकरण, वो किसके द्वारा दिया गया, रॉबर्ट व्हिटेकर के द्वारा। और कब दिया गया, 1969 में, 1969 के अंदर। तो इन्होंने पंच जगत वर्गीकरण के अंदर पांच दिया। इन्होंने सबसे फर्स्ट में बताया मोनेरा जगत, कौन सा बताया, मोनेरा। सेकंड इन्होंने दिया प्रोटिस्टा, कौन सा दिया, प्रोटिस्टा जगत। थर्ड इन्होंने बताया फंगी, जिसे हम कवक भी बोलते हैं। तो थर्ड कौन सा था, फंगी या कवक। फोर्थ इन्होंने बताया प्लांट, जिसे हम बोलते हैं पादप जगत। और फिफ्थ इन्होंने बताया एनिमल, जिसे हम बोलते हैं जंतु जगत। तो आपको ध्यान रखना है, जो रॉबर्ट व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इनका जो वर्गीकरण किया, उन्होंने पांच भागों में बांटा इसको, फर्स्ट मोनेरा जगत, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड कवक, फोर्थ पादप जगत और फिफ्थ जंतु जगत में इनका वर्गीकरण किया। और एक एक काम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आएगा मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर कवक, फिर पादप और फिर जंतु आएंगे। देखो आगे, देखो कोई भी जीव होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, तो जो जीव होता है ना उसके अंदर दो प्रकार की सेल पाई जाती है। कोई भी जीव होता है, आप भी जीव हो, मैं भी जीव हूँ, या फिर शेर भी जीव है, कोई भी प्लांट है, पादप है, वो भी जीव है। और जीव के अंदर क्या होती है, सेल, कोशिका होती है। क्या होती है, सेल, कोशिका। क्योंकि जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। तो कोशिका कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी आपको पता होना चाहिए, जो कोशिका होती है ना उसमें दो मेम्ब्रेन होती है, एक तो होती है सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली, और जो भारी भारी होती है उसे हम बोलते हैं सेल वाल, जिसे हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो आप ध्यान रखोगे, जो सेल होती है ना उसके बाह्य बाहर जो परत होगी उसको तो हम बोलते हैं सेल वाल, कोशिका भित्ति, और उसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलेंगे कोशिका झिल्ली बोलते हैं। तो आप ध्यान रखोगे, इसके अलावा कोशिका होती है ना उसके अंदर, कोशिका के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसे हम बोलते हैं केंद्रक। क्या होता है, न्यूक्लियस या केंद्रक। तो जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका होती है ना, वो न्यूक्लियस के द्वारा विभाजित किया जाता है मेनली। तो वैसे तो और भी डिफरेंस होते हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका रहेगी और एक रहेगी यूकैरियोटिक कोशिका। तो इस कोशिका के अंदर तो केंद्रक पाया जाता है, लेकिन इस कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाए, ये डिफरेंस ध्यान रखोगे आप। इसके अंदर तो केंद्रक न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जो प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखोगे। इसके अंदर केंद्रक नहीं होता, यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो इसके अंदर प्रोकैरियोटिक के अंदर अब्सेंट होता है, लेकिन इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया
प्रेजेंट होता है, तो आप ध्यान रखोगे। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर दो प्रकार की सेल पाई जाती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल कोशिका होती है वो कम विकसित होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, ज्यादा विकसित होती है। अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल जिसके अंदर पाई जाएंगी वो कौन सा जगत रहेगा, मोनेरा जगत होता है। और मोनेरा जगत में मेनली कौन आते हैं, हमारे बैक्टीरिया आते हैं। क्या आते हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो जीव होते हैं उनमें दो प्रकार की सेल रहेंगी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक क्या होती है, जिसके अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होगा और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। और प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन से रहेगा, मोनेरा जगत। और मोनेरा जगत के अंदर मेनली कौन आते हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु आते हैं। अब सेकेंड हम बात करें यूकैरियोटिक सेल, जिसके अंदर कोशिका के अंदर न्यूक्लियस केंद्रक भी रहेगा और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। अब जो यूकैरियोटिक सेल होती है ना, उसे भी दो भागों में बांटेंगे, एक तो यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, और सेकंड मल्टीसेलुलर, जिसे हम बोलेंगे बहुकोशिकीय। क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय। तो यूकैरियोटिक मतलब उसमें केंद्रक रहेगा, लेकिन यूनिसेलुलर मतलब केवल और केवल कितनी सेल रहेगी, एक सेल होती है। मल्टीसेलुलर का मतलब इसमें एक से ज्यादा संख्या में क्या रहेंगी, सेल्स होती है, ये ध्यान रखोगे। अब जो यूनिसेलुलर होता है ना, जो एक कोशिकीय रहेगा वो कौन सा जगत रहेगा, प्रोटिस्टा जगत। कौन सा रहेगा, प्रोटिस्टा। इसके अलावा हम बात करें मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय जिसके अंदर एक से ज्यादा कई रहेंगी, सेल होती है। अब इसको भी हम आगे डिवाइड करते हैं, कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित। जिसके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है उसे वो तो क्या रहेगा, कोशिका भित्ति सहित। मैंने बताया था जो सेल होती है ना उसमें जो अंदर मेम्ब्रेन रहेगी उसे सेल मेम्ब्रेन, बाहर जो परत होती है उसे हम सेल वाल कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो कोशिका भित्ति सहित मतलब उसके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाएगी। तो कोशिका भित्ति सहित रहेगा ना, वो भी आगे कितने भागों में बटेगा, दो भागों में। दो भागों में कैसे, एक तो रहेगा फोटोट्रोफिक सवपोषी, सेकंड कौन सा रहेगा, हेटरोट्रोफिक परपोषी। सवपोषी और परपोषी की बात करें तो हम सवपोषी कौन से होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे तो हम क्या बोलते हैं, सवपोषी। और परपोषी किसे बोलेंगे, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते उसे हम क्या बोलेंगे, परपोषी। तो इनके अंदर तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता और इनके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो जो कोशिका भित्ति सहित रहेगा उसके अंदर जो सवपोषी होते हैं, जो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसके अंदर कौन सा जगत आएगा, पादप जगत आता है। और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और कोशिका भित्ति पाई जाती है वो उसके अंदर कौन से आएंगे, फंगी कवक आएंगे। कौन सा जगत आएगा, फंगी और कवक जगत। तो आपको ध्यान रखना है जो बहुकोशिकीय होते हैं उसको दो भागों में बांटा, कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित। जो कोशिका भित्ति सहित होते हैं जिनके अंदर कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाएगी उसमें भी दो भाग, एक तो जो सवपोषी रहेंगे या परपोषी। सवपोषी होते हैं उसके अंदर कौन सा आएगा, पादप, और परपोषी के अंदर फंगी कवक आते हैं। अब हम बात करें बहुकोशिकीय के अंदर कोशिका भित्ति रहित, जिनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती वो उसके अंदर कौन से आएंगे, जंतु एनिमिलिया जगत आता है। तो कौन सा आएगा, जंतु जगत आता है। तो आपको ध्यान रखना है ये क्लासिफिकेशन। अब देखो आगे बात करते हैं, अब हम फर्स्ट क्या अध्ययन करेंगे, मोनेरा जगत का। और मोनेरा जगत में मैंने बताया था कौन आएंगे, मेनली बैक्टीरिया जीवाणु आते हैं। अब मोनेरा जगत के अंदर हमने पढ़ा सेल कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक, जो कम विकसित होती है, जिसके अंदर केंद्रक भी नहीं पाया जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता। यूनिसेलुलर क्या रहेगा, एक कोशिकीय होता है, एक कोशिका ही पाई जाती है। कौन सा रहेगा, एक कोशिकीय रहेगा। सेल वॉल कोशिका भित्ति क्या रहेगी, इसमें प्रेजेंट होती है। क्या होती है, प्रेजेंट। और किसकी बनी होती है, पैक्टीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पैक्टीन की। आपसे पूछेगा जो जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं उनकी कोशिका भित्ति सेल वॉल किसकी बनी होती है, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप क्या बताओगे, किसकी बनी होती है, पैक्टीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पैक्टीन की। और पोषण के अंदर ये सवपोषी भी होते हैं और परपोषी भी। स्वयं का भोजन कुछ क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो स्वयं का भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन ज्यादा मेनली तो कौन से रहेंगे, परपोषी होते हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर आएगा नोस्टोक और एनाविना। ये कौन सा है, एनाविना, देख सकते हो आप एग्जाम्पल के अंदर, ये तो नोस्टोक रहेगा और ये एना बिना। एग्जाम्पल ध्यान रखोगे, नोस्टोक और एना बिना।
जो नो स्टॉक और ऐना बिना होते हैं ना, ये दोनों क्या होते हैं? सपोषी होते हैं, आप ध्यान रखोगे। जो स्वयं का भोजन खुद बनाते हैं कौन से होते हैं? नो स्टॉक और ऐना बिना, जिसे हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया, इनको साइनोबैक्टीरिया, या फिर हम बोले नील हरित शैवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नील हरित शैवाल। क्या बोलते हैं इनको? नील हरित शैवाल। तो नो स्टॉक और रहना बिना खुद का भोजन स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। आगे देखो, अगला एग्जांपल आपको दे रखा है राइजोबियम। ये एग्जांपल किसका है? राइजोबियम, जो हमारे लेग्यूमिनेसी कुल के जो प्लांट होते हैं। अगर हम बात करें जैसे चना होता है हमारा, जो चना का प्लांट रहेगा ना, उसके अंदर देखो ये दिखाई दे रही है आपको गांठ सी, दिखाई दे रही है। इनके अंदर कौन सा जीवाणु होता है? राइजोबियम। कौन सा होता है? राइजोबियम। और जो क्या करता है? सहजीवी। सहजीवी का मतलब है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया रहेगा ना, वो प्लांट को क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ना, उसके द्वारा इनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाएगा। नाइट्रोजन कैसे? जैसे हमारा जो जो प्लांट को हम क्या खाद देते हैं ना, उसमें नाइट्रोजन होती है। कौन सी होती है? नाइट्रोजन। लेकिन जो प्लांट होते हैं ना, वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेते हैं? NO3 की फॉर्म में। किस फॉर्म में लेंगे? NO3 माइनस नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन चेंज करता है? राइजोबियम। तो राइजोबियम नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करेगा, तो ये प्लांट उसको आसानी से प्राप्त कर लेगा। और राइजोबियम को इससे क्या फायदा है? राइजोबियम को ये फायदा है कि जो प्लांट के अंदर जो भोजन बनेगा, उसको भोजन को कौन ग्रहण करेगा? राइजोबियम। इसे हम बोलते हैं सहजीवी, मतलब दो जीव साथ साथ रहते हैं और दोनों को क्या होता है? फायदा होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? सहजीवी। तो इसके अंदर जो राइजोबियम रहेगा, वो प्लांट को तो क्या फायदा दे रहा है कि उनको नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा नाइट्रेट उपलब्ध करा रहा है। और राइजोबियम को क्या फायदा है कि वो चने के प्लांट से क्या प्राप्त कर रहा है? भोजन प्राप्त कर रहा है। तो ये किस फॉर्म में होता है? सहजीवी। आगे देखो लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस कहाँ होता है? हमारे दही के अंदर होता है। तो आपको ध्यान रखना है मोनेरा जगत जिसके अंदर बैक्टीरिया आते हैं, उनके एग्जाम्पल है नो स्टॉक, ऐना बिना, राइजोबियम और लैक्टोबैसिलस। कौन सा है? लैक्टो बैसिलस। ध्यान रखोगे, ज्यादातर एग्जाम्पल ही पूछा जाता है कि राइजोबियम कौन से जगत में आता है, तो कौन से बताओगे आप? मोनेरा जगत, नो स्टॉक, ऐना बिना, राइजोबियम और लैक्टो बैसिलस। ये ध्यान रखा होगा आप। सेकंड देखो, सेकंड आपको दे रखा है प्रोटिस्टा जगत। कौन सा दे रखा है? प्रोटिस्टा जगत। इसके अंदर कौन सी जो सेल पाई जाती है, वो कैसी रहेगी? यूकेरियोटिक। कैसी रहेगी? यूकेरियोटिक। पहले जो क्लासिफिकेशन पढ़ा उसके अंदर भी अध्ययन किया, यूकेरियोटिक रहेगी और एक कोशिकीय। केवल कितनी कोशिका पाई जाएगी? एक कोशिका। सेल वॉल क्या होती है? प्रेजेंट इन सम, कुछ में ही क्या होती है? प्रेजेंट। ज्यादातर में क्या होती है? अब्सेंट होती है। और पोषण क्या रहेगा? कुछ सपोषी होते हैं, कुछ विषमपोषी। कुछ स्वयं का भोजन खुद बनाएंगे और कुछ दूसरों पर आश्रित होते हैं। अब देखो इसके एग्जाम्पल देखना है। सबसे पहले दे रखा है आपको अमीबा, सेकंड आपको दे रखा है पैरामीशियम, यह आपको दे रखा है युगलीना, और अगला दे रखा है आपको प्लाज्मोडियम। एग्जाम्पल ध्यान रखने, आपको ऐसे ही पूछेगा अमीबा कौन से जगत में आता है, तो आप कौन सा बताओगे? प्रोटिस्टा जगत। पैरामीशियम कौन से जगत में आता है, तो आप क्या बताओगे? प्रोटिस्टा जगत में। इसके अलावा अमीबा से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो ऐसा कौन सा जीव है जो अपनी आकृति बदलता रहता है, तो ये क्या करता है? आकृति बदलता रहता है, तो कौन सा बताओगे आप? अमीबा। इसके अलावा पैरामीशियम में ये एग्जाम्पल पूछा जाता है कि चप्पल की जैसी आकृति किसकी होती है? चप्पल की जैसी आकृति किसकी होती है? पैरामीशियम की। किसकी होती है? पैरामीशियम की। तो आप ध्यान रखोगे प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना और प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कौन सा है? जो हमें मलेरिया करता है, ये वही जीव है जिससे हमें क्या होता है? मलेरिया बुखार होता है। तो आपको ध्यान रखना है प्रोटिस्टा में अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना और प्लाज्मोडियम आएगा। इसके अलावा यूकेरियोटिक, एक कोशिकीय सेल वॉल, प्रेजेंटिंग, कुछ में प्रेजेंट होती है, पोषण सपोषी होते हैं और विषमपोषी होते हैं। देखो आगे बात करते हैं, अगला जगत दे रखा आपको कवक फंगी। फंगी किंगडम,
देखो सामने, इसकी सेल कैसी रहेगी? यूकेरियोटिक रहेगी। कैसी रहेगी? यूकेरियोटिक। और कैसा रहेगा? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। दो कवक जगत होता है ना, उसके अंदर यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिके भी रहेंगे। एक कोशिके तो केवल एक ही जीव होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। मल्टीसेलुलर का मतलब कैसा रहेगा? बहु कोशिकी। तो एक कोशिके तो केवल कौन सा होता है? ईस्ट, जिसे हम खमीर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खमीर भी। तो आपको ध्यान रखना है, जो कवक जगत होता है ना उसमें एक कोशिके केवल एक ही जीव होता है, जैसे जो ईस्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? खमीर। क्या बोलते हैं? खमीर। मल्टीसेलुलर ज्यादातर कौन से होते हैं? बहुकोशिकीय। बाकी जो एक ही रहेगा, बाकी तो कौन से रहेंगे? मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय होते हैं। सेल वॉल, कोशिका भित्ति क्या होती है? प्रेजेंट। और किसकी बनी होती है? काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। इससे पहले भी आया था बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर किसकी बनी हुई थी? पैक्टिन की बनी हुई थी। कौन सी? पैक्टिन की। और इसके अंदर कौन सी है? काइटिन की। ये ध्यान रखोगे आप, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जो कवक जगत होता है, कवक की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। पोषण क्या होता है? ये विषमपोषी होते हैं, ये भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। अब देखो इसके एग्जांपल, एग्जांपल दे रखा है इसका म्यूकर, सेकंड दे रखा है एस्परजिलस। मैं लिख देता हूं एस्परजिलस, ऊपर दे रखा आपको म्यूकर, और थर्ड दे रखा आपको एगेरिकस, इसे हम बोलते हैं मशरूम। जो बारिश के मौसम में ज्यादातर उगती है, तो आपको ध्यान रखना है कवक के अंदर म्यूकर आएगा, एस्परजिलस और मशरूम, जिसकी सब्जी भी बनती है मशरूम। तो आप ध्यान रखोगे कवक के अंदर मशरूम भी आएगा, एस्परजिलस और म्यूकर, ये एग्जांपल भी ध्यान रखोगे आप। देखो अगले बात करते हैं, अगला फोर दे रखा है पादप जगत। पादप जगत के अंदर सेल कैसी रहेगी? यूकेरियोटिक होती है, मल्टीसेलुलर मतलब बहुकोशिकीय। कैसी रहेगी? बहुकोशिकीय, एक से अधिक कोशिकाएं रहेंगी। सेल वॉल क्या होती है? प्रेजेंट होती है। किसकी बनी रहेगी? सेल्यूलोज की। पोषण क्या रहेगा? स्वपोषी। ये खुद का भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा स्वयं बनाते हैं, ये ध्यान रखोगे आप। तो ये खुद का भोजन स्वयं बनाते हैं। देखो जो बैक्टीरिया होते हैं ना उसमें तो किसकी बनी रहेगी? अभी आया था ना मैंने बताया आपको, किसकी बनी रहेगी? पैक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पैक्टिन की। इसके अलावा कवक की किसकी बनी होती है? काइटिन की। और अब किसका आ गया? पादप जगत की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ये मोस्ट है तीनों, ध्यान रखोगे आप, सेल्यूलोज की। इसके अलावा जो हमारे जितने भी प्लांट होते हैं, जैसे नींबू का पेड़ हो जाएगा, कोई भी प्लांट ले लो आप, नींबू का, नीम का पेड़, जो भी प्लांट रहेंगे हमारे, जो भी ट्री या प्लांट होते हैं वो सभी किसके अंदर आएंगे? पादप जगत के अंदर। आगे अध्ययन भी करेंगे हम, पादप जगत अलग पड़ेंगे और जंतु जगत अलग पड़ा जाएगा। आगे देखो अगला दे रखा आपको जंतु जगत। जंतु जगत में सेल कैसी रहेगी? यूकेरियोटिक। कैसी रहेगी? यूकेरियोटिक मतलब उसके अंदर केंद्रक भी प्रेजेंट रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट रहेगा। क्या रहेगी? विकसित प्रकार की कोशिका होती है। बहुकोशिकीय मतलब एक से अधिक कोशिकाएं रहेंगी। सेल वॉल क्या होती है? इसमें अब्सेंट होती है। सेल वॉल क्या रहेगी? अब्सेंट। और पोषण कैसा रहेगा? विषम पोषी। विषम पोषी का मतलब ये स्वयं का भोजन स्वयं नहीं बना सकते। आप एग्जाम्पल लोगे, जैसे जंतु के अंदर तो सारा हम भी आते हैं, और हम तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं किचन में जाकर के, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम आटा भी कहां से? बाहर दूसरे पर आश्रित होते हैं। इसके अलावा सब्जी के लिए भी हम किस पर होते हैं? दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो जो स्वयं का भोजन स्वयं नहीं बना सकता वो किसके अंदर आएगा? विषम पोषी के अंदर। और जितने भी प्लांट हम जो भी ह्यूमन आएगा, मानव, और जितने भी हमारे जैसे देर का आपको जिराफ, हाथी, तो सभी जीव किसके अंदर आएंगे? जंतु जगत के अंदर आते हैं। किसके अंदर आएंगे? जंतु जगत के अंदर। इसके अलावा आपको दे रखा है जो हम वर्गीकरण करते हैं उसके अंदर सबसे फर्स्ट तो कौन सा किया जाता है? जगत का। किसका नाम लिखा जाता है? जगत किंगडम का।
इसके अलावा सेकंड हम आगे करते हैं, फाइलम लिखा जाता है उसका, क्या लिखेंगे? फाइलम, जिसे हम बोलते हैं संघ। थर्ड हम करेंगे तो क्या लिखी जाती है उसकी? क्लास, जिसे हम बोलेंगे वर्ग। फोर्थ क्या लिखा जाता है उसका? ऑर्डर, गण। फिफ्थ फैमिली लिखी जाती है, कुल। सिक्स्थ क्या लिखा जाता है? जीन्स, वंश लिखा जाता है। और लास्ट क्या होता है? स्पीसीज, जाति लिखी जाती है। तो ये भी ध्यान रखना आपको। सबसे पहले वर्गीकरण करते हैं जगत, जगत के बाद में फाइलम संघ का, फिर क्लास या वर्ग, फिर ऑर्डर गण, फिर फैमिली कुल, फिर जीनस वंश, और लास्ट में स्पीसीज जाति। जैसे जो मानव होता है उसका अगर हम वैज्ञानिक साइंटिफिक नाम लिखे तो क्या लिखा जाता है? होमो सेपियंस। क्या लिखा जाता है? होमो सेपियंस। क्या लिखा जाता है? होमो सेपियंस। तो जो होमो होता है पहला वर्ड, वो तो क्या होता है? उसका जीनस वंश होता है, तो होमो तो क्या रहेगा? वंश होता है। और लास्ट जो वर्ड लिखा जाता है सेपियंस, सेपियंस क्या होती है? उसकी स्पीसीज या जाति होती है। तो ये दोनों ही नाम लिखे जाते हैं। किसी भी जीव जंतु का अगर वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है तो फर्स्ट वर्ड होता है वो क्या लिखा जाता है? वंश, जीनस का नाम लिखा जाता है, सेकंड स्पीसीज जाति लिखी जाती है। ध्यान रखोगे आप, इसके अलावा आप ये क्रम भी ध्यान रखोगे, सबसे पहले किसको वर्गीकरण करते हैं? जगत के आधार पर। जैसे जगत कितने रहेंगे? पांच होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, उसके बाद में कौन सा आएगा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, उसके बाद में जंतु जगत आएगा, और फंगी रहेगा, हमारा कवक होता है, और पादप जगत रहेगा। उसके बाद में हम करते हैं फाइलम संघ का। जैसे अब जंतु जंतु जगत होता है या फिर हमारा पादप जगत होता है, दोनों का अध्ययन करेंगे ना, उसके अंदर उनका संघ फाइलम भी आएंगे, क्लास वर्ग भी आएंगे, ऑर्डर फैमिली जीनस और स्पीसीज। तो सबसे पहले जगत का वर्गीकरण किया जाता है, फिर फाइलम संघ का, फिर क्लास वर्ग का, फिर ऑर्डर गण का, फिर फैमिली कुल का, फिर जीनस वंश का, और लास्ट में स्पीसीज जाति। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इनका ऑर्डर भी पूछ सकता है आपसे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है, पहला वंश का नाम लिखा जाता है, दूसरा जाति का। जो वैज्ञानिक नाम था वो किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने, जिसे हम बोलते हैं द्वि नाम पद्धति। किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने। तो आज की क्लास में तो यहीं तक पढ़ेंगे, जो अगली क्लास होंगे ना उनमें हम जो हमारा पादप जगत है उसका अलग से अध्ययन करेंगे, और जो जंतु जगत है उसका भी अलग से अध्ययन करेंगे। आज की क्लास भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है आपको, क्योंकि इसी के अंदर से एक दो क्वेश्चन तो आपको इसी में से एक दो क्वेश्चन तो पड़ जाएंगे। तो आपको इस क्लास को अच्छी तरह से देखना है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको एक बार देखने में समझ में आ जाएगी। अगर एक बार देखने से नहीं समझ में आती तो आप इसको दो बार तीन बार देख सकते हो। और हमारा चैनल है जीके भाई मालाराम सर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, धन्यवाद।